नमस्कार एंड टाइम्स के साथ मैं हूं काजल। अलविदा हो रहे साल का अंतिम माह दिसंबर के अंतिम दिनों में कड़ाके की सर्दी ने शहर को ठिठुरन भरी सर्दी से कपकपा दिया है। उत्तर भारत के पहाड़ों में बर्फबारी से निकली सर्द हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। ठिठुरन भरी सर्दी से शहर का जनजीवन प्रभावित रहा। सड़क किनारे बैठकर व्यापार करने वाले धूप की आस में रहे, लेकिन धूप आती जाती रही। न्यूनतम पारा 5.4 डिग्री पर जाते ही लोग चाय की चुस्की लेते रहे। उत्तर भारत के पहाड़ों में बर्फबारी से निकली सर्द हवाएं रतलाम शहर सहित जिले को अपने आगोश में ले रही हैं। यहां कपकपा देने वाली ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में लिपटे रहे। दुपहिया वाहन चालकों को इस ठंड से काफी जूझना पड़ रहा है। ठंडी हवाओं की वजह से वातावरण भी कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया है। यहाँ रात तो ठीक, दिन में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनवरी में पड़ने वाली ठंड का एहसास इस बार दिसंबर के आखिरी दिन में महसूस हो रहा है। ठंडी के मौसम में हवा की रफ्तार भी कुछ दिनों में ज्यादा महसूस की जा रही है। रतलाम में एक दिन में तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। कल जहां अधिकतम तापमान 22.6 और न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री दर्ज किया गया था, वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान 23.0 और न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में एक दिन में 4.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। तेरी आँखिया का ये काजल, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया, या फिर ढोल की थाप पर घूमते घूमर और फिल्मी गानों के तरानों पर जमकर ठुमकी लगी। मौका था कलश यात्रा और चाक पूजन का, जो किन्नर सम्मेलन का अंतिम आयोजन था। किन्नर गुरु बेबी नंदा की स्मृति में देश के कोने कोने से आए किन्नर शनिवार को चल समारोह में निकले तो देखने के लिए सड़क पर हर राहगीर के कदम थम गए। हर एक शख्स अपने मोबाइल से फोटो लेता रहा। आयोजन स्थल से निकला यह चल समारोह राम मंदिर तक गया। रास्ते भर नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। किन्नरों के इस चल समारोह में किन्नरों के ठुमके आकर्षण का केंद्र रहे। बग्गियों में वरिष्ठ किन्नर सवार रहे। राम मंदिर पर किन्नर परिवार ने रीति रिवाजों के मुताबिक चाक पूजन किया। राम मंदिर में भी जमकर ढोल की थाप पर ठुमके लगे। आयोजन को लेकर किन्नर गुरु रजनी ने मीडिया को बताया, सभी रतलाम के नगर की जनता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मेरे गुरु की स्मृति में मैं ये कार्यक्रम कर रही हूँ। उनका नाम था बेबी नंदा जागीरदार, रतलाम के जागीरदार थे, रतलाम शहर के मालिक थे। उन्हीं की स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है और मैं रतलाम के सभी जनता के आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत बहुत सहयोग किया है। और आज उनके ये अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन की सातवें दिन का सम्मेलन है। सातवें दिन के सम्मेलन में हमारे यहाँ गणेश पूजन और गंगा माता भरा जा रहा है। नगर की शांति के लिए कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और सभी रतलाम की जनता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रजनी भाई किन्नर, रतलाम शहर की जागीरदार। आगे क्या कार्यक्रम है? बस आगे आज समापन है। अच्छा, इसके बाद कहाँ कहाँ से शामिल हुए थे? यहाँ से जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़, रूपनगढ़, गुजरात और हैदराबाद, पूना, लखनऊ, कानपुर, बनारस, बम्बई, सभी दूर के सम्मेलन, सभी दूर हमारे सम्मेलन होते हैं और सभी दूर के हमारे यहाँ पे किन्नर समाज के आते हैं। कोई विशेष निर्णय लिया हो या कुछ ऐसा? कुछ निर्णय नहीं लिया, हमने हमारे गुरु का मौसर किया है, हमने हमारे गुरु की स्मृति में ये कार्यक्रम किया है। मेरे गुरु का स्वर्गवास हो चुका है 10 साल पहले, उन्हीं के स्मृति में ये कार्यक्रम हुआ है। सम्मेलन में पहुंचे किन्नर बताते हैं, आप अच्छा क्या कार्यक्रम था यहाँ और क्या क्या हुआ है? यहाँ पे सम्मेलन था बड़े बुजुर्गों का, उनका कार्यक्रम था, इसलिए हम लोग सब आए। क्या क्या किया? सब लोगों ने अपना जो होता है वो सब विधि विधान किया गया और जो भी होता था बहन बेटियाँ बनी सब कुछ हुआ। सारे जो होते हैं हम लोगों के समाज में वो सारे कार्यक्रम हुए।
कोई कैसा लगा आपको रतलाम? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा और यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। ठीक, धन्यवाद। नाम नाम आंसर बता दिया। एटीएम से पैसा निकालने आए बाइक सवार सड़क हादसे में घायल हो गए। हादसे में दो लोग घायल हुए हैं, एक गंभीर घायल को इंदौर रेफर किया गया है। खबर के मुताबिक ग्राम शिवगढ़ से राहुल तथा दशरथ रतलाम आए थे। एटीएम से पैसा निकालकर शुक्रवार की रात करीब 9 बजे वापस शिवगढ़ जा रहे थे, तभी शिवगढ़ के पास डंपर के आने से दोनों खाई में जा गिरे। जिला अस्पताल में भर्ती दोनों घायलों में से राहुल को इंदौर रेफर कर दिया है, जबकि दशरथ का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायल ने बताया, दशरथ कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये शिवगढ़ से 3 किलोमीटर पहले मालूम, वो खाई में आगे से डंपर आ रहा था, इधर साइड में ले रहा था अंदर, वो खेत में चले गए। आप लोग कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे हम रतलाम से। रतलाम कुछ काम करने आए? हाँ, रतलाम काम करने, पैसे निकालने आए थे और सामान लेना था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस शहर कांग्रेस ने समारोह पूर्वक मनाया। इस मौके पर कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर कांग्रेस कमेटी के 2 बत्ती स्थित कार्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 134वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। वरिष्ठ नेता पूर्व महापौर पारस सकलेजा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनोद मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष यास्मीन शेरानी, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अदिति दवे सर, पूर्व उप महापौर सतीश पुरोहित विशेष रूप से मौजूद थे। सभी नेताओं ने कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई और देश की आजादी में कांग्रेस की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आज 134वां स्थापना दिवस था। इस अवसर पर रतलाम शहर कांग्रेस द्वारा सभी कांग्रेसजनों को एकत्रित कर 134वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया। इस अवसर पर सारे कांग्रेस के लोग जो है, वरिष्ठ लोग और कनिष्ठ लोग, सारे लोग जो है मौजूद थे, सारे पार्षद लोग मौजूद थे, सारे पदाधिकारी लोग जो है मौजूद थे। हम लोगों ने यहाँ पर अपना स्थापना दिवस मनाया और आगे गांधी जी के जो है विचारों पर चलने की शपथ ली और सभी लोगों ने जो है खुशियाँ मनाई। शमशान के पास कचरे के ढेर से एक बार फिर नवजात बालिका मिली। बालिका को ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया। मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना है रतलाम जिले के ग्राम पंचेवा की। आज सुबह कुछ ग्रामीण ग्राम के शमशान घाट की ओर से गुजर रहे थे, तभी उन्हें नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन ग्रामीण उस ओर गए तो देखा कि कचरे के ढेर में एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है। सूचना पर पिपलोदा एवं सुखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों के समक्ष पंचनामा बनाकर नवजात बालिका को हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस अब नवजात को छोड़ने वालों की तलाश करने में जुट गई है। नवजात शिशु मिला है, ये हो सकता है रात की घटना हो, सुबह मालूम पड़ी है। ठीक है, वो मौके की कार्रवाई कर ली है। ठीक है, और जो भी प्रकरण बनेगा हम बनाएंगे और इसका पता लगाएंगे और जो वैधानिक कार्रवाई करेंगे।